गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजेंद्र चौहान फ्रॉम श्री नारायण विद्यालय कन्हान। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड योर कॉपीज। टेक योर टाइम एंड ओपन इट क्विकली एंड टेक अ लुक हियर ओवर Blackboard. So look here students, our topic is chapter 1, basic concepts in geometry. So we will continue with collinear points, non-collinear points, plane and parallel lines. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं collinear points, non-collinear points, plane और पैरेलल लाइंस। बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स हम किसे कहेंगे? थ्री और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। देन लुक हियर ऑन द बोर्ड, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, इट लाइज ऑन द सेम लाइन, hence it is called as collinear point. So our next topic is non-collinear points, points which do not lie on the same line, points which do not lie on the same line means ऐसे points जो एक ही line पर नहीं है। यहां देखिए, ए यहां है, बी इधर, सी यहां, डी यहां, ये एक ही लाइन में नहीं है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेन। क्या पढ़ेंगे हम? प्लेन, अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स infinitely in all directions, in all directions is called plane. देखो यहां इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए आप। ये प्लेन एरिया है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये यहां से इधर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जो एक्सटेंड हुआ है इक्वली, उसे हम कहेंगे प्लेन। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। ध्यान दो, पैरेलल लाइंस क्या पढ़ रहे हैं हम? पैरेलल लाइंस, लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन मींस ये एक लाइन है, बराबर इसी के नीचे दूसरी लाइन भी होनी चाहिए ऑन द सेम प्लेन एंड हैज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर मींस वो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी नहीं करनी चाहिए इस तरह से। ये लाइन से अगर ये इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, यहां से देखो, सो दिस इज नॉट योर पैरेलल लाइन। जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है उसे कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। इन्हें सभी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, मींस लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। यहां पर मैंने आपको समझाकर बता दिया हूं।
सो हमारा ये जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री आज फिनिश हुआ है। तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट वन है वो आपको आपके क्लास वर्क कॉपी में करना है, और सेम थिंग होमवर्क कॉपी में भी करना है टू टाइम्स। और आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर आप कॉल करके भी डायरेक्टली पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।